कोई ऐसा झूठ बोल सकता है क्या? कह लिया कि स्वास्थ्य राज्य का सब्जेक्ट है। हम लोग आज तक जानते हैं कोविड पर जितनी मौतें होती है, जितना मोर्टेलिटी रेट है, सबका आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जारी करता है। कितना रोज डिटेक्ट हुआ ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलता है, कितने ठीक हुए वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलता है। गाइडलाइन आईसीएमआर का है, वैक्सीन आपके कंट्रोल में है, ये देश हम लोगों का, जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, जो कल्पना की गई है वेलफेयर स्टेट में, उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। कोरोना को हमने हरा दिया प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, और प्रधानमंत्री का माथा मंत्रालय बोलता है कि कोई भी मौत नहीं, सबको मिला है मुफ्त में टीका, ये क्या नारा है? मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, बीजेपी का कोषागार से पैसा आता है क्या? ये देश का पैसा, देश का एक एक नागरिक, ये भी नून भी खरीदता है, नमक भी खरीदता है, तो उसमें आपको पैसा देता है जो जीएसटी है। एहसान कर रहे हैं आप, एहसान के साथ साथ संसद के अंदर झूठ भी बोल रहे हैं। राज्य सरकार को आपने बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया था, पीएम केयर फंड का जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया, सभी कंसंट्रेटरों में 65% ने काम नहीं किया, ये देश का रिकॉर्ड है। लेकिन इतनी शर्मनाक बात, वो भी पार्लियामेंट के पटल पर, कहा राज्यों ने हम लोगों को रिपोर्ट नहीं दी। आप राज्यों से महाराज आज से कंसल्टेशन क्या किए? आपने तो राज्यों को केवल नसीहत दी है, उनके बारे में पूछा है क्या कि उनको दर्द क्या है, उनका दुख क्या है? आपने तो आपके उत्तर प्रदेश के राज्य में